आईपीएल 2024 की पहली गेंद से लेकर पहले सिक्स तक जाने सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच की हर एक बात। आईपीएल 2024 के बेहतरीन आगाज के साथ क्रिकेट प्रेमियों का इस रंगारंग लीग को लेकर चल आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां गत चैंपियन सीएसके ने 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने जीत के लिए 174 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर को मेजबान टीम ने 8 गेंदे शेष रहते हासिल कर लिया। सीएसके की जीत के कई हीरो रहे, मगर मुस्तफिजुर रहमान को उनकी आला गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। रहमान ने अपनी पहली 10 गेंदों पर 4 विकेट छटकाकर आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। 4 ओवर के कोटे में उन्होंने कुल 29 ही रन खर्च किए। आइए सीएसके वर्सेस आरसीबी मुकाबले पर एक नजर डालते हैं। आईपीएल 2024 की पहली गेंद किसने डाली और किसने किया सामना? आईपीएल 2024 की पहली गेंद दीपक चहर ने डाली। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए स्ट्राइक लेने विराट कोहली पहुंचे। आईपीएल 2024 के पहले रन की बात करें तो दीपक चहर को पहली गेंद पर काफी स्विंग मिला, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर रही, जिस वजह से अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस तरह वाइड के रूप में सीजन 17 का पहला रन बना। आईपीएल 2021 का पहला चौका आईपीएल 2024 का पहला चौका आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी के बल्ले से निकला। दीपक चाहर के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर डुप्लेसी ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। आईपीएल 2024 का पहला छक्का किसने मारा? भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से आईपीएल 2024 का पहला छक्का पारी के दसवें ओवर में आया। महेश तीक्ष्णा की दूसरी गेंद को किंग कोहली ने सीधा बाउंड्री के पार पहुंचाया। तीक्ष्णा ने बीच पिच पर गेंद पटक दी थी, विराट ने इसका फायदा उठाते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में सीजन 17 का पहला छक्का लगाया। आईपीएल 2024 का पहला विकेट किसने लिया? आईपीएल 2024 का पहला विकेट सीएसके के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को मिला। ओवर की तीसरी गेंद पर इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने डुप्लेसी को पवेलियन की राह दिखाई। आईपीएल 2024 के पहले कैच की अगर बात करते तो आईपीएल 2024 का पहला कैच रचिन रविंद्र ने बेहद ही शानदार अंदाज में पकड़ा। इस रंगारंग लीग में डेब्यू कर रहे रचिन ने डुप्लेसी का कैच डीप बैकवर्ड पॉइंट से आगे भागते हुए लपका। उनका यह कैच देखने के बाद पूरा मैदान जोरदार तालियों से गूंज उठा। आईपीएल 2024 का पहला रन आउट कौन सा खिलाड़ी हुआ था? आईपीएल 2024 का पहला रन आउट सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम रहा। आरसीबी की पारी के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे से अनुज रावत को 48 के निजी स्कोर पर रन आउट किया। आईपीएल 2024 का अर्धशतक और शतक की बात करते तो इस मुकाबले में कुल 339 रन बने, मगर कोई खिलाड़ी इस दौरान 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। जी हां, इस मैच में अनुज रावत 48 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे। इसका मतलब है कि आईपीएल 2024 का पहला अर्धशतक और पहला शतक आना अभी बाकी है। आईपीएल 2024 की पहली जीत की बात करते तो ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ आईपीएल 2024 की पहली जीत लगी। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से पटखनी दी।